आदरणीय सभापति जी, एससी एसटी ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी देने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्त भी अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। और आदरणीय सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे हैं। सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे हैं। सर, ओनली द एड्रेस विल गो ऑन रिकॉर्ड। जो ओनली एड्रेस, नो, पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कांग्रेस इस परिवार के काफी करीबी है। उन्होंने अभी संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के उनके योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव उनको उम्मीदवार बनाया। आपका हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है, अगर हमसे वैचारिक विरोध होता, आपने सामने कैंडिडेट खड़ा किया होता, मैं समझ सकता था। लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था, क्यों? क्योंकि हमारे यहां से गया हुआ व्यक्ति आपने उम्मीदवार बनाया, इसलिए वैचारिक विरोध नहीं था। आपका विरोध एक आदिवासी बेटी के लिए था और इसलिए आपने, और ये जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे वो भी एक आदिवासी दौर दी, उनके साथ भी यही किया गया था। और आज तक सभापति जी, राष्ट्रपति जी का अपमान करने की घटनाएं कम नहीं है, पहली बार इस देश में हुआ है। उनके जिम्मेवार लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकली है, शर्म से माथा झुक जाए। राष्ट्रपति के लिए ऐसी भाषा बोली गई है, मन में जो कसक पड़ी है ना, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा, हमारी प्राथमिकता क्या है सब परिचय दिया।